10th क्लास बच्चों, आज हमने स्टार्ट करना है हमारा नेक्स्ट पैराग्राफ, पैराग्राफ नंबर 31, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है गांव के मुताबिक मुतलिक, गांव में यानी बताया जा रहा है कि एक मिनट वो पिक्चर देखी जा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि मेरा गाँव है, तो उसकी स्टोरी देखते हैं क्या, ठीक है। दिस इज द पिक्चर ऑफ अवर विलेज, ठीक है। ये मेरे गाँव की, विलेज कहते हैं गाँव को, ये मेरे गाँव की तस्वीर है। देयर आर ग्रीन फील्ड्स आउटसाइड द विलेज, आउटसाइड बारी को कहते हैं, यानी गांव से या बिहार से बाहर जो है खेत जो है वो हरे भरे हैं, फील्ड्स खेतों को कहते हैं, ग्रीन यानी हरियाली। नाउ इट इज ग्रास नहीं कहेंगे, ग्रास घास नहीं कहेंगे, तो हम इसको हरियाली या हरे भरे कहेंगे, ठीक है। नाउ इट इज समर सीजन, समर सीजन यानी गर्मियाँ, गर्मियों का मौसम, अब गर्मियों का, ये गर्मियों का मौसम है। द सन इज शाइनिंग ब्राइटली, ब्राइटली यानी चमकदार या पूरे जोर से, सूरज जो है वो पूरे जोर से या अच्छे तरीके से चमक रहा है, ठीक है। वीट फील्ड्स, वीट फील्ड्स के दरमियान में डैश लगाया हुआ है, तो इट मीन्स एक प्रॉपर कन्वर्ट सेंटेंस एक वर्ड, ठीक है। वीट फील्ड्स यानी जो गंदुम के खेत है, वीट फील्ड्स आर देयर लाइक अ हिट, यानी वहाँ पर गंदुम के खेत भी हैं। देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल, हसल एंड बसल इन वीट फील्ड्स, ठीक है। वीट फील्ड्स फिर से वही अगेन वर्ड आ गया, गंदुम के खेत, ठीक है। तो इसका है देयर इज ग्रेट हसल एंड बसल, हसल बसल कहते हैं यानी बहुत ज़्यादा, बहुत हसल एंड बसल कहते हैं बहुत ज़्यादा, यानी वहाँ पर रश या भीड़ है, ठीक है, भागम दौड़ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। हाँ, और बहुत ज़्यादा भागम दौड़ या बहुत ज़्यादा रश, लेकिन प्रॉपर उसका वर्ड रश, भीड़ के लिए हम रश हजूम के लिए, और यहाँ हम क्राउडेड यूज़ करते हैं, लेकिन हसल एंड बसल यानी वहाँ पर बहुत ज़्यादा भागम दौड़ है। यंग, यंग यानी जवान, नौजवान, ओल्ड बूढ़े, मैन आदमी, तो एक आदमी नहीं है, ज़्यादा है, तो एम ई एन, ठीक है, इसका प्लूरल है। एंड वुमेन, वुमेन का भी ई लिखा हुआ है। एंड वुमेन आर वर्किंग टुगेदर, ठीक है, वर्किंग टुगेदर, ठीक है। नौजवान, बूढ़े, आदमी और औरतें मिलकर इकट्ठे कह सकते हैं टुगेदर काम करते हैं, कर रहे हैं। द क्रॉप इज राइप, राइप कहते हैं उगाने किसी चीज़ को, ठीक है। रीप कहते हैं उस चीज़ को, हार्वेस्ट को, उस क्रॉप को काटना, ठीक है। तो क्रॉप इज राइप यानी फसल पक चुकी है या पक रही है। द विलेजर्स विल रीप द हार्वेस्ट नाउ एंड कैरी द देयर क्रॉप टू द सिटी, ठीक है। विलेजर्स कहते हैं हम देहातियों को या गांव में रहने वाले को, गांव के बाशिंदों को। विलेजर्स विल रीप द हार्वेस्ट, हार्वेस्ट यानी जो क्रॉप यानी जो फसल पक चुकी है, ठीक है, यानी उसको उसकी कटाई करेंगे। फ्यूचर टेंस यहाँ पे लिखा हुआ है, विल रीप द हार्वेस्ट, ठीक है, फ्यूचर इंडेफिनिट। देहाती जो है वो क्या करेंगे, फसल काटेंगे नाउ एंड अब फसल काटेंगे एंड कैरी देयर क्रॉप टू द सिटी, और शहर की तरफ इस फसल को ले जाएंगे, ठीक है। देर आर ऑल्सो मैनी थिंग्स ऑफ वट सीन इन आवर विलेज, यानी हमारे गाँव में और भी बहुत सी देखने की काफ़ी चीज़ें हैं। वी आर हैप्पी इन द विलेज, हम गाँव में या देहात में बहुत ज़्यादा खुश हैं या बहुत खुश हैं, वेरी आएगा तो बहुत लिखते हैं। वी शैल मेक आवर ब्यूटीफुल, वी शैल मेक ब्यूटीफुल आवर विलेज, ठीक है। तो इसका है कि हम, वी शैल मेक आवर, मेक ब्यूटीफुल आवर विलेज यानी हम अपने गाँव को या देहात को खूबसूरत बनाएंगे, इसमें जो कम्पिटिशन है, ठीक है, उसके मुताबिक ही। हाँ, तो ये था हमारा आज का पैराग्राफ। इसके अलावा कोई इशू हो तो नहीं पढ़ा कर जरूर।